YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज है हमारा, वालेकुम सलाम, आज है हमारा फिफ्थ डे और आज हम लोग जा रहे हैं मदीना। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और आज का पांचवा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो उमरा हो गए, तवाफ तो हमने अभी तक काउंट नहीं किया कितने हुए। और हम लोग जो है रूम में बहुत कम रहते थे, हम लोग पूरा टाइम वहाँ पर रहते थे। ऐसे लगा कि ये टाइम जो है ना 5 दिन ने 5 सेकंड में निकल गया। इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो आए थे, बस अभी निकल रहे हैं। और इंशाल्लाह हम 5 दिन मदीना में रहेंगे, उसके बाद 5 दिन के लिए फिर से यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। बस अब तो मैं शौहर जी के पीछे लगने वाली, मुझे बार बार यहाँ पर लेके आओ। मतलब हम को यहाँ पर इतना सुकून, इनफैक्ट मुझे एक खांसी नहीं आई, कसम से बोल रही हूँ, एक खांसी तक नहीं आई है ना वहाँ पे। मैं, मेरा गला इतना खराब होता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी और खांसी होती थी कंटिन्यू। वो ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कंटिन्यू सिर्फ जमजम का पानी पिया है और उससे ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तो गला ठीक है। अब वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या होने वाला है, बट यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। और अनु मैडम हमारी देखिए तैयार हो गई है मदीना के लिए। और पहला उमरा थोड़ा हमारा डिफिकल्ट गया, बिकॉज ये बहुत सता रही थी यहाँ पर आकर, क्योंकि हम लोग का बहुत मतलब सफ़र हुआ था तो इसको आदत नहीं थी, इसलिए उसने पहले सताया। लेकिन कल जो है ना ऐसा रश था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना क्राउड था, फिर भी ये बच्ची ने चली थोड़ा। तो दो राउंड लगाए, पांच राउंड फिर इन्होंने ले लिया गोद में, फिर ऐसा किया है ना बेबी। हाँ बोलो, सलाम करो पहले। मेरी प्यारी सी बच्ची, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी बच्ची। तो आज तो मैडम का मूड बहुत अच्छा है, वरना वो यहाँ पे ठीक से खा नहीं रही है और बहुत तंग कर रही थी, लेकिन आज मूड अच्छा है मैडम का, देखते क्या होता है। और शाह जी क्या बोलेंगे। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गए, मदीना जाते जाते बोलो। मदीना जाते जाते अभी एक सरप्राइज रखा है लिमरा टूर्स वालों ने, कहा है क्या है कुछ बताया नहीं है, बस इतना बताया है कि आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है जो पैकेज का पार्ट नहीं है। तो आप मदीना पहुंचने से पहले आप लोग सब बोले तो बहुत खुश होंगे और उनको दुआएं भी देंगे। तो हम बोले ठीक है चलो देखते हैं क्या। हम सब बोले तो वैसे तो हम हर पल उनको दुआ दे रहे बहुत ही अच्छी सर्विस थी, रूम अच्छा था, खाना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था और बहुत ही अपनापन था, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो अब देखते हैं, अब मैं वो सरप्राइज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्या सरप्राइज है, और फिर हम चलेंगे मदीना। बहुत ज्यादा खुशी है। और कल का भी सरप्राइज अच्छा लगा हमको, जो उन्होंने मस्जिद से दिखाए थे ना, बोले तो किसी को यही नहीं था कि आहा बाबा वहाँ से हम लोग को बोले तो सेकेंड उमरा का ये होगा करके। उन्होंने कुछ नहीं, वो भी पैकेज का पार्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने एडिशनल बोले तो वो भी एक सरप्राइज दिया कि बाबा चलो हाजियों को लेके आए है, तो उन लोग का भी दिल खुश करे, दुआएं ले, तो वो भी हो गया। तो कल हमारा बोले तो ऐसा बोल सकते है कि उन्होंने सेकेंड उमरा भी हमारा करवा दिया। आप देखते हैं मदीना जा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो बोले हम सरप्राइज देने वाले हैं, तो बहुत बोले था इसे सरप्राइज करते हैं ना, तो बहुत खुशी हो रही है। और मेरे दोनों बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं। और हमको सफा मरवा पे दुआएं जोया ने पढ़ाई है, जोया उसके अब्बू को मुझे सारी दुआएं जो भी पढ़ना होता है चलते चलते सब कुछ मेरे बच्चे ने पढ़ाया है। अल्लाह मेरे दिल से इतनी दुआ निकली है ना, इसके लिए भी निकलती है ना बेटियों के लिए, तवाफ के लिए भी जोया ने बोला था, तवाफ का जो उमरा था ना स्टार्ट टू एंड जितनी दुआ है सब दो जोया ने हमको पढ़ाई, सब उसने किया है। तो बच्ची का भी बोले तो हम बोलेंगे ना तहे दिल से, बोले तो हमको बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई, और हमको नाज है हमारी बच्ची पे कि हमारी बच्ची ने इतना बड़ा बोले तो अपने माँ बाप को उमरा कराया, उसने मतलब पढ़ाया सब कुछ। बहुत खुशी होती है कि बच्चे बड़े बड़ी हो गई है और इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, बस इतना भी करे ना बस हम लोग खुश है, बस अच्छे से रहे बस। और हमारी छुटुकली ने हमको मस्जिद में दाखिल होने के पहले हमको लबैक पढ़ाया, है ना, तो फिर तवाफ करते टाइम पे उसने भी एक दो राउंड में कलमे हमको पढ़ाए। क्या होता है ना बच्चे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इतना क्राउड देखकर, उन लोगों को आदत नहीं होती है सफर की, चलने की,
तो और लॉकडाउन के बाद तो बच्चों को वैसे भी आदत नहीं थी, तो थोड़ा वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, थोड़ा तंग किया, रोई, बहुत कुछ हुआ, बट ठीक है चलता है, बच्चे नहीं सताएंगे तो कौन सताएगा। चलिए अब जो है अब सरप्राइज के तौर चलते हैं, अब निकलते हैं, हमारी बस आने वाली है तो आप लोगों को हमारे साथ लेकर चलें। पापा मेरा प्यारा जाओ हाथ रखो उस पे। जो पहली जंग हुई उसका नाम गज़वा बदर है, जो यहाँ पर है ये दिख रहा है, यहीं पर जंग बदर हुई थी। कुफार ने ये जंग मुसलमानों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की थी, और वो उस लिए कि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ़ एक माबूद हकीकी की इबादत की जाए, जबकि दुश्मन की तादाद 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी, वो हर तरह से लबरेज थे। रमज़ान मुबारक 2 हिजरी बदर के मुकाम पर हुआ, जो यहाँ पर है बदर, 17 रोज़ा था और 2 हिजरी थी, दूसरा साल था अल्लाह की नबूवत को। मुसलमान का ये काफिला लश्कर इस जंग में जोश व खरोश के साथ लड़ा, और कबाइल तहसीन था, उन्होंने अपने से 3 गुना बड़े लश्कर को एक ही दिन में शिकस्त फाश कर दिया। यहाँ पर खड़े होके सब लोग इनके लिए सलामी पेश कर दूँ, जो साहब आए ना। ठीक है, आ जाइए तुम। सो लिमरा टूर की तरफ से हमको सरप्राइज मिला है, और हमको लेकर आए हैं यहाँ पर जंगे बदर। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, बट आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह मैं कलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने सुना है जंग हुई थी, बैटल हुई थी, तो हम यहाँ पर जाकर सबको सलामी देंगे इंशाल्लाह, और खूब सारी दुआ करेंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप कितना अच्छा है। और ये रहे शोहर जी, जो अनु को लेकर आए हैं प्रैम में, क्योंकि हमको जाना है नमाज को भी, ईशा का वक्त हो गया है। और शोहर जी क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है, एकदम सुकून है ना? सुकून भी है, और एक वो बोलते ना जज्बा, बचपन से अपन ने जो स्टोरी सुनते आए ले ना, क्या आपने सुना स्टोरी? हाँ, 300 versus 1000 था ना, वो वाला था वो, अभी उनने भी बताया। हाँ, हाँ, तो मैं आप लोगों को भी वो जो हमारे हमारे साथ जो उन्होंने सब बताया है, तो वो डिटेल में आप लोगों को भी दे दूँगी इंशाल्लाह। बहुत सुकून लग रहा है, देखो चारों तरफ एकदम शांति है, यहाँ पे सुकून है। सो बस जज़ाकल्लाह खैर लिमरा टूर्स, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अब इसके बाद नमाज पढ़ते हैं और फिर सीधा चलते हैं मदीना, फिर डिनर करेंगे इंशाल्लाह, कल सुबह चलेंगे मदीना में, है ना, क्योंकि रात हो जाएगी अभी। तो खाना वाना खाएंगे, डिनर करेंगे और फिर मदीना जाएंगे, नहीं उधर मदीने में होटल में ही जाना है, होटल में रहेंगे, फिर मस्जिद में कल जाएंगे। हाँ, और कल फिर मदीना जाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद, मदीना मस्जिद वही, और बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, सभी एक्साइटेड है ना जोया
जोया को भी देख लो कैसे लग रहा है यहाँ पर कैसे लग रहा है? ऐसा क्लाइमेट मुझे बहुत पसंद है, ठंडा ठंडा सा। चलो अभी हम उधर थोड़ी सी दुआ मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा रूम ये रहेगा। यहाँ पे हमने सारा सामान रख दिया है और यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी सामान ही है और ये एंट्री है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे बाथटब भी दिया है काफी यहाँ पे अच्छा है ना, क्लीन बहुत है। यहाँ के सारे जो चीज़ें हैं ना होटल्स जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, क्लेनलीनेस इज प्यार हुआ है मुझे उससे। तुकली आज बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर रही तू? देखो ये है हम लोग का नंबर। क्या नंबर? अरे अरे नानी अम्मा लॉक करेगी। कौन सा रूम नंबर है आपका? 106। लो मैडम, चलो मैडम अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। मेरी कॉपी कर रही है वो जब से पूरे रास्ते यही कर रही है उसने। तो मैंने टैबलेट लिए, किसी का सर दुख रहा है तो फिर उनके पास नहीं था तो उनको दे देती हूँ। अब चलते खाना खाने। अस्सलामुअलैकुम नसीब भाई, कैसे हो? क्या है आज नाश्ते में? नाश्ते में आज चना बूटी है, उसके बाद अंडे आएगा। अच्छा, दूध है, रोटी है। ठीक है, देखते हैं। ये है हमारे नसीब भाई जो कि हमारा खाने का बहुत ध्यान रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज है हमारा मदीने में पहला दिन और नाश्ता कर लिया है बच्चों के लिए, नाश्ता रूम पे लेके जा रहे हैं। अब जो है बस फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं मदीने पे। चलते तो हमें जाना है मदीना रियासुल जन्ना, तो पहले वहाँ पर जाएंगे फिर इंशाल्लाह मदीने में आराम से सुकून से आज दिन बिताएंगे और वहाँ पे खूब सारी इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। तो हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए मक्का और मेरी बच्ची देख सकते हो, सलाम करो बच्ची। दिखाओ आपका ड्रेस, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा सोना लग रहा है मेरा प्यारा। बस अभी हम लोग निकलते हैं और फिर आपको लेकर चलती हूँ। चलिए Yeah.
चीज है क्या लो कलम तेरे मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना बिन नूरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सल्लातु जहां चीज है क्या लो कलम तेरे मोहम्मद नबी। यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं रियाजुल जन्ना के लिए जो कि लिमरा टूर्स ने स्पेशली हमारे लिए परमिट लिया है, वरना बगैर परमिट के यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैर इस चीज़ के लिए कि हमें रियाजुल जन्ना में दाखिल होने का मौका मिला और जन्नत के एक टुकड़े में थोड़ी बहुत इबादत करने मिली। बहुत बहुत शुक्रिया लिमरा टूर्स। चीज है क्या लोहो कलम तेरे कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे मुहम्मद नबीना मुहम्मद नबीना बिन नूरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सल्लातु। चिटुकली तो जो कि बहुत ज्यादा ड्रामे कर रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। रुको बोलो मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी प्यारी सी बच्ची दुआ वापस करो दीदी। रुक सो हम आए हैं यहाँ पर मदीना जो कि बहुत ही प्यारी जगह है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी इतनी प्यारी जगह नहीं देखी है, इतना सुकून है और ऐसे लग रहा है कोई और हमारे कोई और ज़िंदगी में आ गए हैं, जो कि सिर्फ सुकून है इस लाइफ में, सिर्फ सुकून है। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, हेलो कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस सुकून और प्यार मोहब्बत अपनापन, बस यही लग रहा है। और फिर से इसने मेरी चप्पल पहनी है गद्दू, अनु अभी बात कर रहे थे तो ऐसे लग रहा है बस, और अल्लाह करे थोड़ा और यहाँ पर रुका दे, बट ऐसा नहीं है पॉसिबल इंशाल्लाह। बस दुआ करती हूँ हमें बार बार यहाँ पर आने का मौका मिले, बस यही दुआ है। शौहर जी का वेट कर रहे हैं हम लोग,
रियाजुल जन्ना में हम लोग लेडीज को पहले भेजा था, अब जो है अब जेंट्स को भेजा है, तो उनको उधर टाइम लगेगा। हम अभी जोहर की नमाज यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर रूम पर जाएंगे, इंशाल्लाह लंच करेंगे और फिर शाम में हम लोग निकलेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और देखते हैं। चले उसके बाद फिर हम लंच के लिए आ गए हमारे होटल, और आप देख सकते हो कितना यम्मी लंच है आज। फ़िश के पूरे आइटम्स थे, ग्रेवी फ़िश की और पालक और मेथी की सब्ज़ी जो कि मैं बहुत मिस कर रही थी, और फ़िश फ्राई, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत यम्मी थी। बस हमने खाना खाया और रूम पर चले गए, थोड़ी देर आराम किया। बस ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं हमारे मक्का के, मदीने के। जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अपडेट देने की। बस आप सब, हम सबको दुआ में याद रखिए। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।